बस अभी देखते हैं, यहाँ पे हनु के लिए एक ड्रेस देखेंगे, एक आदि के लिए देखेंगे। आदि क्या ऑर्डर कर रहे हो बाबू? अरे नहीं, डायरेक्ट नहीं खाना, ऑर्डर करते हैं पहले बाबू। ये वाला ऑर्डर करो। पॉपकॉर्न, ये भी सूप भी खाना है आदि। हाय गाइस, तो ये है संडे का दिन और संडे की दोपहर है अभी और हम जा रहे हैं अभी मार्केट। बहुत सारी शॉपिंग है आज करने को और आदि को भी चेक करवाना है सब्जी मंडी का बैग, और सब्जी मंडी से सब्जियां भी लेके आनी है। तो आदि को क्या हुआ है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो घर को कर लेते हैं पहले लॉक और फिर चलते हैं नीचे पार्किंग एरिया में आदि और आदि। तो हनु के पापा जल्दी जल्दी बोल रहे, जल्दी आओ जल्दी आओ। जेंट्स को बहुत कम टाइम लगता है रेडी होने। अब अपना लेटर दिखाया, डस्टबिन में डालूंगी अभी मैं इसको। तो तैयार तो मैं कहाँ ही हुई हूँ, पर टाइम लग जाता है। ये डोर बंद करो, वो डोर बंद करो, लाइटें बंद करो, पानी की बोतल भरो और सामान जरूरी रखा कि नहीं, बस इन सभी में ही टाइम लग जाता है। ये लोग तो बस अपने रेडी होते हैं और कंगी बंगी भी बस हाथ उत फेरते हैं बालों में और चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाएंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अभी जा रहे हैं हम शॉपिंग करने के लिए डिलीवरी के बाद। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं अपने लिए कुछ परचेज करने के लिए जा रही हूँ। इससे पहले आदि के लिए, कभी हनु के लिए, कभी घर के सामान के लिए। एक्चुअली क्या है ना, हस्बैंड की कंपनी में फंक्शन है, क्या फैमिली डे है ना, फैमिली डे है, तो उसके लिए थोड़ा सा परचेज करना था। उसे फैमिली फेयर भी कह सकते हैं ना। साड़ी खरीदनी थी मुझे, वैसे तो देखते क्या पसंद आता है, साड़ी या सूट। और कोइंसिडेंस की बात ये है कि जिस दिन पापा का, जिस दिन फैमिली डे है ना पापा के ऑफिस में, उसके नेक्स्ट डे ही हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, तो दो दो फंक्शन एक साथ है। तो हिनल के लिए भी हमें कुछ बाय करना है और लड्डू के लिए है कुछ करने की जरूरत, लड्डू के लिए भी कुछ देख लेंगे क्योंकि ठंड का टाइम होगा, शाम का टाइम होगा, तो फिर इसके लिए भी देखते हैं। और इधर जरूरत है, इधर जरूरत नहीं है शॉपिंग करने की। तो यहाँ पे टोल के लिए खड़े हैं, तो ये है टोल। वो देखना गाड़ी का टकरा ना जाए। क्या है, लकड़ी है, ये गिर रहा है कुछ, गिर क्या है ये, आइडिया ना। अरे अभी लगे, तो बैरियर पे यहाँ पे रोकते हैं ना। पूछ रहे थे कहाँ के हैं आप, मतलब यहाँ पे टोल लगता है, पूछ रहे थे। नई गाड़ी है तो मिठाई विठाई नहीं खिलाई क्या? वापिस आते खिला देना बेचारे की ड्यूटी पूरी होने से पहले। तो मार्केट जाने से पहले ना हमेशा मेरे मन में कंफ्यूजन होता है कि मैं ये लूंगी वो लूंगी, मतलब साड़ी लूं या सूट लूं, और जाती कुछ लेने हूं और ले कुछ और आती हूं। अभी देखते क्या पसंद आता है। सोच रही हूं ऐसी चीज, मतलब जब दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होता है ना, तब क्या होता है, तब क्या करना चाहिए, तब लिस्ट बनानी चाहिए। नहीं तो दो फिंगर ऊपर करते हम और दोनों में से, तब हम ना दो फिंगर ऊपर करते हैं और आदि के सामने लेके आते हैं, जो फिंगर आदि पकड़ता है ना वो चूज करते हैं। और मैं पता मोस्टली क्या करती हूँ कि फिर मैं छोड़ देती हूँ कि मुझे क्या लेना है। जो पहली नजर में चीज पसंद आ जाती है ना, मतलब होता है ना कई बार जैसे दिल में जो चीज लग जाती है एक बार, वही बाय करनी चाहिए। फिर जो घर से सोच के जाते हैं वो चीज का कोई मायने नहीं रह जाते। फिर तो देखते हैं क्या चूज करते हैं अभी हम। तो आदि को ना थोड़ी सी एलर्जी भी हुई है यहाँ पे, तो एक बार उसको चेकअप भी करवाना है, देखते हैं डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं। संडे है आज, तो आज डॉक्टर ना 12 या 1 बजे तक ही बैठते हैं और 12 जो है वो बजने ही वाले हैं। देखते हैं अगर डॉक्टर मिलेंगे तो चेकअप करवाएंगे। तो बस अभी ना हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और पहले हम आदि को ही चेक करवा लेते हैं। एलर्जी से ना इसको इचिंग जैसे हो रही है, तो पहले हम इसी को चेकअप करवाएंगे, बाद में हम और शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं अभी, पहले लड्डू को ही चेक करवा लेते हैं ना। लड्डू परेशान हो रहा है शायद इचिंग से। ऐसे डर आगे को पूरा गाड़ी साइड में लगा रहे हैं अभी पापा। आदि ना बोर हो रहा है यहाँ पे। तो आदि का चेकअप करवा के मैं बाहर आ गई थी और हस्बैंड जो है अभी पेमेंट कर रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह काफ़ी दी हैं डॉक्टर ने। और अभी जो है मैं दूध पिलाऊंगी इसको, क्योंकि इसको बहुत भूख लगी है। तो
तो अभी ना हम चेकअप करवा के आ गए हैं लड्डू का, और डॉक्टर ने काफी कुछ बताया इसकी एलर्जी के बारे में, एलर्जी जैसे हो गई है इसको। तो क्या मतलब डॉक्टर ने बोला वो मैं सब आपको घर में जाके बताती हूँ। अभी चलते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं फटाफट से। और देखो हमारा स्टाइलू बेफिक्र होके पड़ा है, कोई टेंशन नहीं उसको। फिर उसके बाद हम जाएंगे मम्मा के ड्रेसेस लेने। नन्हे बच्चे जीनी निकालते, क्यूटू क्यूटू क्यूटू। बस पापा आ गए हैं और अब हम यहाँ से चल। और आज ना संडे है तो मार्केट में पूरा क्राउड है, बहुत किचपिच हो रखी है मार्केट में, सब लोग बाहर निकले पड़े हैं। किसी ने यहाँ पे रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी तो हमें प्रॉब्लम हो। यहाँ पे वो थी पहले मसाला वगैरह की शॉप थी ना, वीवो की खुल गई, ये वीवो की शॉप खुल गई शायद यहाँ पे। नहीं बस अभी देखते हैं, यहाँ पे हनु के लिए एक ड्रेस देखेंगे, एक आदि के लिए देखेंगे, कुछ पसंद आता है तो। मैं काफी टाइम के बाद मतलब डिलीवरी के बाद काफी टाइम बाद मैं इस मार्केट में आई हूँ, काफी अच्छा लग रहा है मुझे सब देख के। कई बार ऐसा होता है शॉपिंग ना करो बस चीजें देख के ही बहुत खुशी सी हो जाती है। हाँ मुझे तो होता है ऐसा। आर्टिफिशियल टीका। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी हमने सिर्फ हनु की ड्रेस ली है और आदि की ड्रेस ली है हमने, और अभी हस्बैंड गए हैं थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लेके आएंगे। हमने ये नेल पेंट ली, ये मैंने ली। नो गाइस लगा भी ली। आई लव ओशन कलर, ओशन कलर है ना ये। कैमरे में थोड़ा सा ब्लू दिख रहा है तो ये ओशन कलर। ये देखो हमारा बंदा जो है वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। आदि नो पूरा उखाड़ के रख दो क्या? ये देखो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है आदि। नहीं बिट्टू बस पता चला गाड़ी स्टार्ट हो गई तो एक्चुअली ना आदि को काफी टाइम से एलर्जी जैसे हो रही थी, जो इसके ये वाला हेड का जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ पे काफी एलर्जी हो रही थी उसको, और बैक में भी थोड़े थोड़े रैशेज थे, लेग्स में भी थोड़े थोड़े पैचेस जैसे होते हैं ना रैशेज के वैसे थे इसको। तो हम चेक करवाने के लिए आए थे तो डॉक्टर ने कहा कि विंटर जैसे आती है तो बच्चे का शरीर जो है ना वो नमी कम हो जाती है, खुश्क जैसा हो जाता है मतलब शरीर। तो मैं वैसे लोशन वगैरह और मैं नारियल का तेल यूज कर रही थी अभी अभी, इतनी विंटर यहाँ पे ज्यादा स्टार्ट नहीं हुई है और मैं नारियल का तेल ही यूज कर रही हूँ, डॉक्टर ने वही प्रेफर किया था इसके लिए। फिर भी इसको ड्राइनेस अभी काफी हो रही थी, उस वजह से वो एलर्जी हुई इसको। और फिर डॉक्टर ने इसके लिए ना ये वाला लोशन बोला, एटोगला का लोशन है ये, कि ये आप इसको सुबह शाम लगाना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाना ताकि और खरीदें आप उनकी दुकान से। और एक ये वाला दिया है, ये सर के लिए है, शैम्पू है ये, मतलब कंडीशनिंग बेनिफिट्स देगा साथ में। और एक ये है जेल, एक ये दिया है, और देखती हूँ मैं ये सब यूज़ करके कि इससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अभी जैसे मैं इसको नहा देती हूँ ना उसके बाद मैं इसको ऑयलिंग वगैरह अच्छे से करके तब बिल्कुल भी नहीं दिखती जो एलर्जी है, लेकिन शाम के टाइम जैसे भी होता है ना मतलब शाम होती है या अगली सुबह को काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिसमें पानी जैसा भर जाता है और ये बेचारा खारिश करता रहता है ऐसे ऐसे करके। तो फिर मुझे लगा था ठीक से ये ना दूध भी नहीं पी पा रहा था, और कई बार होता है बच्चे ना रात को एलर्जी जैसे हो जाती है मतलब, तो बच्चों को खारिश होती है और बच्चा इरिटेट होता है, सो भी प्रॉपरली नहीं पाता है। तो फिर संडे को मार्केट आने से पहले एक बार जरूर सोचे हैं ज्यादा भीड़। अरे देखो रॉन्ग साइड आने वाले पहलवान रूल फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रीजन एक है, ये भी एक रीजन है जाम लगने का। अरे साड़ी की दुकानें कहाँ गई? पर हमें एक साड़ी की दुकान दिख गई यहाँ पे देख, और ये है साड़ी भवन, देखते हैं यहाँ पसंद की साड़ी मिलती भी है या नहीं। तो यहाँ पे हम आए साड़ी देखने के लिए, देखते हैं साड़ी पसंद आती है, सूट पसंद आता है। तो यहाँ पे बात बन गई और मेरी पसंद की दो साड़ियाँ मुझे यहाँ पे मिल गई। सो पूरी मार्केट घूमने के बाद अब हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है, जो सामान लेना था वो हमने ले लिया है, और अभी हो रहे हैं शाम के 3:50। अभी आ रहा पतिदेव को बुखार, पतिदेव की जेब बहुत ढीली हो चुकी है और उनको फीवर आने वाला है अब, और हमने खाना भी नहीं खाया है, अभी बहुत भूख भी लग रही है, तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ पे। पतिदेव की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है इस टाइम पे कि बोल रहे हैं अब घर पे जाकर खिचड़ी खाएंगे। ना लड्डू भी इंटरेस्टेड है बात करने में, बोले जी कहाँ खाएंगे लड्डू खाना।
कहाँ खाएंगे मम्मा खाना, भूख लगी है मेरे लड्डू को। और यहाँ पे ना एक नया ओल्ड राव होटल, तो वहाँ पे पतंजलि जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ। ये वाला खुला है नया, तो एक्चुअली हमारे साथ ना यहाँ पे थोड़ा सा घपला हो गया। ये ओल्ड राव होटल, ये वाला पतिदेव यहाँ पे लाए थे खाना खाने के लिए, लेकिन ये अभी चालू शुरू ही नहीं हुआ ना, अभी ये शुरू ही नहीं हुआ है। और एक्चुअली पहले मॉल के अंदर था, और फिर बाद में अभी ना इसको बाहर ट्रांसफर किया है, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी कहीं और देखते हैं कि कहाँ मिलता है अभी हमें खाना खाने। तो अभी हम टर्न ले रहे हैं वापिस अर्बन सिगड़ी, अर्बन सिगड़ी। अगर अर्बन सिगड़ी में हमने पिछली बार वो खाया था छोले भटूरे, एक यहाँ पे ना अर्बन सिगड़ी भी है, वहाँ पे पिछली बार हमने छोले भटूरे खाए थे। नहीं, हम खाना खाएंगे अच्छे से। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं, बहुत भूख लग रही थी। आदि, विल यू बी माय बेस्ट ब्रदर? ये मुंह में डाल देगा ये। गाड़ी से उतर करके आदि बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, अभी देखना पाँव चल रहे हैं आदि के। और आदि क्या ऑर्डर कर रहे हो बाबू? अरे नहीं, डायरेक्ट नहीं खाना, ऑर्डर करते हैं पहले बाबू। ये वाला ऑर्डर कर, ये भी सूप भी खाना है आदि को। आदि और यहाँ पे है आदि, मम्मा को परेशान कर रहे हैं, मम्मी इसको सॉक्स लगा रही है ना। और ये मेरे को नहीं पहनने सॉक्स, मतलब पापा। Too much hungry. I am too much hungry. यहाँ पे मेरी मम्मा है, बहुत भूख लगी है सबको, अभी 4 बज गए हैं और खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा अभी इन्होंने बोला, तो फिर से वही छोले भटूरे। जिंदाबाद, हमारा खाना आ गया है। आदि मुझे खाने ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी, और हमारी प्लेट रेडी है। तो फाइनली खाना हमारा हो चुका है, शॉपिंग हमारी डन हो चुकी है, और शाम का टाइम हो गया 5:30 होने वाला। और अभी आदि ड्राइव कर रहा है गाड़ी। Yes. आदि बस अभी पहुंचने वाले हैं, और आज पूरा दिन भर ना काफी ज्यादा थकाने वाला था, आदि भी काफी इरिटेट हो रहा था, अभी सो गया है। और हस्बैंड गए हैं अभी यहाँ पे शॉप में, यहाँ ना बाजरे का आटा मिलता है, फ्रेश बाजरे का आटा मिलता है, तो बाजरे का आटा लेने गए हैं। आ गए अभी, और ये आ गए प्याज के पत्ते होते हैं ना, उसकी सब्जी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बाजरे की रोटी या फिर, और उसके वो भी लगते हैं ना पत्रोड़ू टाइप जो, और या फिर कड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब बाजरे की रोटी जो पत्रोड़ू होते हैं ना वो अरबी के पत्तों के होते हैं, वो इसके नहीं होते। ये कौन से पत्ते? बाजरा। अरे यार, बहुत मन कर रहा था बाहर निकलने का, काफी देर से वेट कर रही थी कि मैं बाहर निकलूं। और हम अब तीसरे साइड पहुंच गए हैं। हाँ, वो कॉम्पिटिशन टाइप है ना आज। और हिनल को ये वाली ड्रेस पसंद आई, और सैंडल भी खुद ही पसंद किए इसके मैचिंग के उसने, तो अब मुझे इस ड्रेस को देख के लग रहा था कि मेरी गुड़िया ना सच में बड़ी हो रही है। मैंने उसको कहा था कि मतलब विंटर के अकॉर्डिंग कुछ देख लो गरम सा, लेकिन उसको यही पसंद था और इसी की जिद। हाँ, तो ये ब्लैक लेगिंग भी थी हिनल की इसके ऊपर। मार्केट से हम आ गए थे, और मैं सीधा अभी आई हूँ किचन में, तो अभी ना शाम के 7 या 8 बज रहे हैं, और अभी डिनर में बना रही हूँ मैं कड़ी चावल। चावल बन के रेडी हो चुके हैं, इधर कड़ी बन रही है। आज हस्बैंड का भी मन था कड़ी खाने का, तो कड़ी चावल बन रहे हैं आज शाम को। इसमें थोड़ी सी ना मैं ये सोया बड़ी डाल रही हूँ, वैसे बूंदी ख़त्म हो गई थी, तो सोया बड़ी वाली कड़ी भी हस्बैंड को अच्छी लगती है, इसलिए इसकी कड़ी बना रही हूँ। और साथ में बनाऊंगी बाजरे की रोटी। हम तो चावल ही खाएंगे, लेकिन हस्बैंड ने कहा बाजरे की रोटी खाएंगे, तो उनके लिए बाजरे की रोटी। और ये पीछे ना यहाँ पे प्योरिट की जो है वो लीकेज हो गई थी यहाँ पे, और पपड़ी उतर गई, ठीक करनी पड़ी ये भी। सो कड़ी को तड़का मैंने लगा दिया है, और अभी ना मैं जब तक इसमें उबाल आता है तब तक मैं बाजरे की रोटी बना लेती हूँ। सो गाइस, ये है बाजरे का आटा, और ये ना थोड़ा सा मतलब मक्के के आटे की तरह होता है, बनाने में ये मक्के के आटे की तरह होता है, थोड़ा सा काला काला होता है दिखने में,
और बाजरे का जो आटा है ना वो यहाँ पे 28 रुपीज के जी है, काफ़ी फ्रेश बाजरा होता है यहाँ पे। तो ये बाजरे का आटा ना कई बार शुगर की प्रॉब्लम होती है जिसको, उसके लिए ना बाजरे का आटा और साथ में चने का आटा मिक्स करके खाए ना उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये। कभी कभी डॉक्टर भी मना करते ना गेहूं की रोटी, किसी किसी को मना होती है गेहूं की रोटी नहीं खाने को, तो ये बाजरे की रोटी नंबर एक दवाई होती है उसके लिए। बाकी जो है मैंने अपनी शॉपिंग अभी नहीं दिखाई क्योंकि साड़ी मैंने फॉल लगाने को दी है और ब्लाउज़ स्टिचिंग वगैरह करवाने को दिया हुआ है। आज मैं जिस दिन एडिटिंग कर रही हूँ अभी तो मेरा आ चुका है, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो बाजरे की रोटी रेडी है, अभी रेडी तो नहीं मतलब अभी तवे में डालने के लिए रेडी है, और ये चिपकती है काफ़ी ज़्यादा तो इनको थोड़ा सा हाथ गीला करके बनाना पड़ता है इनको, नहीं तो ये चिपक जाती है। और आदि की जो एलर्जी की दवाई मैं उसको दे रही हूँ ना वो काफ़ी आराम है उसको, अब सो जाता है मतलब अच्छे से, पहले तो बहुत तंग करता था। और यहाँ पे ना मैं थक चुकी थी खड़े खड़े एक रोटी बना के ही, क्योंकि आते ही मैं खाना बना ली, बाजरे की रोटी बना ली है, कड़ी बना ली है, बाजरे की रोटी बना ली है। आपको अच्छा लगता है बाजरा? बहुत ज्यादा, क्योंकि रोटी और बाजरे की रोटी मेरी फेवरेट है। खाओगे अभी? यस। तो ये बाजरे की रोटी बनके तैयार हो चुकी है, थोड़ी सी काली जैसी होती है पर उतनी ही हेल्दी भी होती है। तो मेरा डिनर बनके अभी रेडी हो चुका है, कड़ी भी बन गई, चावल भी बन गए, रोटी भी बन गई, और मेरा अभी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मैं लोगों के लिए अभी खाना निकाल देती हूँ। ये मेरे कड़ी चावल रेडी है साथ में बाजरे की रोटी। तो ये सब देख के ना मुझे भी मन, मैं हस्बैंड की थाली लगा रही थी तो उनकी थाली देख के मुझे भी खाने का थोड़ा मन कर गया, तो मैं भी खा ही लेती हूँ, नहीं तो रात को आधी रात को भूख लगेगी फिर उठने का भी मन नहीं होता। तो चलिए डिनर एंजॉय करते हैं, आ जाइए आप लोग भी। तो मार्केट में जब हम गए थे तो मेरा मन ना पहले सूट लेने का कर रहा था, लेकिन फिर मुझे दो साड़ियाँ दिखी, अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी दो, तो मैंने वही बाय की हैं और फॉल वगैरह लगाने को दिया है और ब्लाउज़ वगैरह को स्टिचिंग के लिए दिया है। और हनु की ड्रेस मैंने दिखाई ही दी, और एक ड्रेस लड्डू के लिए ली है, थोड़ा सा हुडी टाइप में लिया है लड्डू के लिए, और हस्बैंड ने कुछ भी नहीं लिया एज़ यूजुअल, वो बाद में कभी अपने लिए ले लेंगे मतलब बीच में, क्योंकि उनके वो ट्राई करने में काफ़ी टाइम लगता है और आदि भी परेशान कर रहा था तो फिर इतना टाइम ही नहीं बचा उनके लिए। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।